राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार जब आप मोदी जी को पीएम बनाएंगे तब भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आज हम पांचवी अर्थव्यवस्था पहुंच गए, 11वें नंबर से पांचवी। हमने किसको पछाड़ा? हमने पछाड़ा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़ करके हम पांचवी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब जब आप दुष्यंत को भेजोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके से प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। मतलब कांग्रेस इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जा सके। ऐसा हुआ तो फिर चुनाव आयोग को उस लोकसभा सीट पर ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव करवाने होंगे। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का ये फॉर्मूला इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इसके लिए एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा होना होगा। न सिर्फ उम्मीदवारों को चुनाव में उतरना होगा, बल्कि चुनाव होने तक सभी को चुनावी मैदान में डटे भी रहना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट बताते हैं कि चुनाव आयोग के किसी भी नियम या फिर सर्कुलर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग मतपत्र से होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि मौजूदा ईवीएम में 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब ये बात सही है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ईवीएम से चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि एक ईवीएम में नोटा समेत सिर्फ 16 नाम ही हो सकते हैं। इसके अलावा उस ईवीएम से एक साथ 24 मशीनें जुड़ सकती हैं। मतलब 16 नाम और 24 मशीनें, यानी 16x24 के हिसाब से कुल 384 उम्मीदवारों के नाम ही ईवीएम में हो सकते हैं। और एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर चुनाव आयोग के आगे मतपत्र से वोटिंग कराए जाने का ही विकल्प बचेगा। मतलब दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल इस फॉर्मूले के दम पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की तैयारी में है। हालांकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में चुनाव आयोग के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब 400 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर भी 30 से 40 पन्नों का बनेगा। यानी मतपत्र एक पेज का नहीं होगा बल्कि 30 पन्ने से ज्यादा की एक छोटी किताब की तरह होगा। चुनाव के दौरान लोगों को इस किताब के पन्ने पलटकर पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होगी। यही नहीं, इसके लिए मतपेटी भी नए सिरे से डिजाइन करनी होगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि मतपेटी अलमारी या फिर ट्रंक की तरह डिजाइन करनी होगी ताकि उसमें 30 से 40 पेज का एक बैलेट पेपर आसानी से रखा जा सके। उसी हिसाब से पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मतपेटी को उठाने के लिए ज्यादा कर्मचारी लगेंगे। और तो और, काउंटिंग के लिए भी ईवीएम से 3 गुना ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें अलग से ट्रेनिंग भी देनी होगी। हालांकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक सीट से 400 उम्मीदवार चुनाव लड़े हों। जानकारी के मुताबिक अभी तक एक लोकसभा सीट से अधिकतम 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस बार अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे तो चुनाव आयोग को चुनाव से लेकर मतगणना तक पूरी एक्सरसाइज नए सिरे से करनी होगी। और अगर सभी उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हों तो जमानत राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल